अब शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी कि हमारे हृदय का दाया पार्ट कौन सा ब्लड कैरी करता है। तो देखिए राइट पार्ट करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट पार्ट जो है वो करता है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। देखिए एनर्जी तो उसका आंसर होगा कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ये सब होता है हमारा एनर्जी हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जी हाँ, सिल्क वॉर्म को कहते हैं सेरिकल्चर, ये सिल्वी कल्चर आपका हो गया फॉरेस्ट, एरेपी कल्चर मतलब हो गया आपका हनी बीज। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, जी हाँ हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है वो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ये 10% लॉ के बारे में बात कर रहा है। जो फूड वेब की बात करते हैं उसमें मात्र 10% एनर्जी वन लेवल से अदर लेवल में पास आउट होता है, इसका आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन। जी हाँ, तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका यहाँ पे ओविडक्ट में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप्स इनटू व्हाट, इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब क्या होता है, जिसका सीड कवर्ड होता है, और एक जिम्नोस्पर्म होता है जिसका सीड जो होता है अनकवर्ड होता है, नेकेड होता है। तो इसमें आंसर होगा सीड। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल ओनली बट नॉट इन मेल। क्या आंसर होगा जी, ओवरी। आंसर होगा ओवरी। अगला क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड। क्या होगा जी, होगा कार्पेल। ये होगा फीमेल का और स्टेमेन होता है मेल का। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन इन ह्यूमन किडनी द नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स। जी हाँ, फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहता है, सो कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। देखिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टीसी विच इज कॉल्ड। यानी कि ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा है, तो ये होगा जाइलम में। लेकिन फ्लोएम में वो प्रिपेयर्ड जो फूड बन जाता है फोटोसिंथेसिस से, वो इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जी हाँ, जो हमारे न्यूरॉन्स होता है उसका दो जंक्शन यानी एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन जहाँ पे मीट करते हैं उसको कहते हैं सिनेप्स। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, ये सब एडीज से होता है, ठीक है। मलेरिया आपको पता है फीमेल एनोफिलिस से होता है। फाइलेरिया आपको होता है बुचेरिया बैंकोरफ्टी से। लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है एक फ्लाई से होता है जिसका नाम है सी फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। जी हाँ, तो कोलाजन का क्या काम रहता है, जो हमारे घाव होते हैं उसको भरने का काम करता है कोलाजन, और ये बनता है आपको विटामिन सी से। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड यूज्ड इन द एंटी मलेरिया ड्रग या वो होता है किंग कोना या फिर क्लोरोक्विनिन। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमेक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एसिड चाहिए, तो वो होता है
HCl। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड, जी मिल्क शुगर को कहते हैं लैक्टोज, ये सुक्रोज किसे कहते हैं, शुगर केन को, ठीक है। ये फ्रुक्टोज क्या हो गया, फ्रूट से बनता है, और सबसे ज्यादा मीठा जिसको कहते हैं वो यही होता है, सबसे ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, जी हाँ नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, यानी कि NO3। द सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट्स, वो कौन सा होता है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस कहते हैं, दोनों प्रेजेंट रहता है, गोल्गी बॉडीज दोनों प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे होता है दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइकोपिन एक टाइप का एंटी ऑक्सीडेंट है, वो हाई अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है, जी हाँ तो आपको लाइकोपिन जो प्रेजेंट होता है लाल रंग का होता है, ये आपको लाल लाल टमाटर में होता है। अगला क्वेश्चन है, द अमीनो एसिड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ विच, तो देखिए याद रखने के लिए ट्रिक है एक, ए पी, ऑल अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट अमीनो एसिड्स। द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड, जी हाँ ये होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, द BCG वैक्सीन इज रिलेटेड टू, तो आपको सबको पता है BCG वैक्सीन TB से रिलेटेड। देखिए द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो, जी हाँ पोटैटो का हम लोग कौन सा पार्ट कहते हैं, तो होगा स्टेम, रूट नहीं होगा, रूट होगा या आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, उन लोग का हम लोग रूट खाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछ रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर, तो वो होता है ओ नेगेटिव, अगर बोलेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो होता है AB पॉजिटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स, आपके आंसू जो है वो कहाँ से निकलते हैं, तो वो आपके निकलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देखिए यहाँ पे ऑर्गन बोल रहा है तो आंसर होगा स्किन, लार्जेस्ट अगर ग्लैंड बोलता तो ये होता। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, वो कौन सा होगा, तो वो होगा BT कॉटन, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, BP, जी हाँ, तो इसका आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड, इसको FFF ग्लैंड भी कहते हैं, फियर, फ्राइट एंड एक और चीज़ होता है, थिंक अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए मास्टर ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। देखिए हु इन्वेंटेड द एक्सरे, जी हाँ तो एक्सरे को इन्वेंट किया है रोजेंटेन ने, और अगर बोलेगा रेडियो एक्टिविटी को किसने इन्वेंट किया है, तो वो होगा हेनरी बकरेल ने, और मैडम क्यूरी आपको पता है पोलोनियम और रेडियम को, और ग्राहम बेल टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं, वो है विलियम हावे। वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस, तो बाइल जूस आपको प्रोड्यूस होता है लीवर में, और ये काम क्या करता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि उसको फैट्स को तोड़ता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम्स ब्लूम, यानी कि हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो कौन सा क्लास का है, इकाई एल्गे है, फर्न्स है, फंगाई है, तो जी हाँ वो है फंगाई। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगली बार फिर वीडियो लेकर के आएंगे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।